टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3C. फर्स्ट सम, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कितना लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है, मतलब आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स. कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹7400. Rate of interest is 5% per annum. Duration, मतलब time, is 1 year. जब भी बच्चे उन्होंने half yearly बोला होगा तो time को 2 से multiply करेंगे. So 2 half years. And rate को बच्चे 2 से divide करेंगे. 5.2% half yearly या semi annually. ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है बच्चे. प्रिंसिपल रेट 5% पर एनम का था, बट उन्होंने हाफ ईयरली कंपाउंडेड बोला है तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे. टाइम 1 ईयर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 half years. क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट. अमाउंट का बच्चे फॉर्मूला पी 1 + R/100 पावर टी, सेम टू सेम. बस रेट अब ये वाला यूज करना है और टाइम ये वाला यूज करना है क्योंकि हाफ ईयरली बोला हुआ है. प्रिंसिपल के प्लेस पे प्रिंसिपल की वैल्यू 7400, 1 + rate 5/2 200 हो गया. नीचे मतलब 100 था, एक 2 5/2 का आ गया तो 200 हो जाएगा ना नीचे. पावर 2, इसको बच्चे कट करो 40. 7400 40 इज एलसीएम, 40 + 1 होल द पावर 2. 7400 एज लाइक अब 40 + 1 41/40 × 41/40. 2 zeros आर कैंसल्ड, एक बच्चे 2 37, 2 = 74. क्या आ गया बच्चे हमारे पास, 37 × 41 × 41, 1681 को बच्चे 37 से मल्टीप्लाई करो. 7 8 7 56 5 42 5 47 4 7 4 11. 3 से करेंगे बच्चे 3 8 3 24, 2 carry 18 2 20 2 5 7 9 11 2 6. कितना आ गया बच्चे रुपी, गलत है, कोई मिस्टेक की है सर, वो नीचे 4 भी है. ओके सॉरी, 4 and 2 8 है. ठीक है फिर तो बच्चे 6 2 197 upon 8 8 7 56 8 7 56 61 8 7 56 59 8 7 56 37 8 4 32 50, 8 6 48, 20, near about. क्या अमाउंट आ गई बच्चे, 7774.62. This is the answer. ये अमाउंट है बच्चे हमारी, कुछ भी नहीं है, सिंपली जैसे पहले अमाउंट फाइंड किए बच्चे, सेम टू सेम मेथड है. बस सिर्फ क्या है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया, रेट पर एनम में जो होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम जो ईयर में होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 से डिवाइड रेट को और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई. हाँ जी बेटा. सर प्रिंसिपल को नहीं करेंगे 2 से डिवाइड? नहीं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर हमारे टीचर्स ने तो सर टाइम से डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देता है. हाँ फिर 2 को ही मल्टीप्लाई किया है. यस सर. और क्या किया है मैंने यहाँ पे ये बताओ, बोलो बेटा क्या. सर और सर डिनोमिनेटर में 200 ले लेता, वो 1 + R/200 ले लेता. बच्चे 200 ही लिखा है, बट जो प्रॉपर वे है, जब भी उन्होंने हाफ ईयरली बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एट दैट टाइम जो रेट पर एनम में है बच्चे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे. ऑलरेडी हाफ ईयरली दिया होता फिर यहाँ पे 200 नहीं आना था. मान लो यहाँ 5% हाफ ईयरली लिखा होता ना,
तो यहाँ पे सिर्फ 5/100 ही आना था। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी उन्होंने हाफ ईयरली बोला है या सेमी एनुअली बोला है, सेमी एनुअली और हाफ ईयरली इज द सेम थिंग। एट दैट टाइम रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, यूज यही किया है, वही सेम आंसर ही आएगा बेटा। ओके सर, बट एक कंडीशन का ध्यान रखना, टाइम ईयर में होना चाहिए। मान लो मंथ दिया है, पहले उसको ईयर में चेंज करो, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। रेट पर एनम में होना चाहिए, अंडरस्टूड? यस सर। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला पता है, उसमें वैल्यूज फिल किए हैं एंड नथिंग एल्स। नाउ सेकेंड सम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली ऑन 10,000। अब देखो दो चीजें बोल दी मैंने, लाइन खींच ली बीच में, कंपाउंडेड एनुअली और दूसरा क्या बोला है बच्चे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली का मतलब एनुअली, ऑन ईयरली एंड हाफ ईयरली, मतलब एनुअली, ईयरली का मतलब एनुअली और हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली है, ऑन किस रुपीज पे, 10,000 रुपीज, दैट इज द प्रिंसिपल। किस रेट पे, 10% पर एनम। और टाइम सर आपने 1,000 लिख दिया, सॉरी 10,000, 18 मंथ्स। तो इसको बच्चे टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है। 18/12 कट किया, 3/6 के टेबल पे कट कर दिया, 3/2 ईयर्स आ गए ना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, 1/1/2 टाइम इज दिस वन। अब यहां पे बच्चे हाफ ईयरली है, जब एट दैट टाइम प्रिंसिपल वही सेम 10,000, रेट 10% पर एनम, 2 से डिवाइड करो क्या आ गया, 5% हाफ ईयरली एंड टाइम 18 months, 18/12। यहाँ पे बच्चे 6 के टेबल पे 3/2 ईयर्स आ गए ना, बट हाफ ईयरली बोला है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 हाफ ईयर्स आ गए। समझे मेरी बात? अब क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली एंड, पहले अमाउंट फाइंड करो ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए बाद में करते हैं, पहले ईयरली के लिए अमाउंट फाइंड करो। पता है रूप फॉर्मूला कैसे लगाते थे जब टाइम फ्रैक्शन में हो? रूप? नो सर। सिद्रा, सिद्रा पता है बच्चे? अंकित? नो सर। नो, चलो मैं वापिस आता हूं पिछले एक्सरसाइजेस पे, जहां टाइम फ्रैक्शन में था, कोई सम था ऐसा? I think no sum is there, है ना? Yes sir. चलो अब यहाँ पे चलो मैं सिखा देता हूँ बेटा तुम्हें। इस टाइम हमारे पास अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P 1+R/100 की पावर T होता है ना, बट जब टाइम फ्रैक्शन में आ जाए, एट दैट टाइम प्रिंसिपल 10,000 ब्रैकेट 1+R/10/100। देखो टाइम के दो पार्ट्स हैं, इंटीग्रल पार्ट एंड रैशनल पार्ट। वन क्या है, इंटीजर, यहाँ 2.5 होता तो 2 पावर आ जाती, यहाँ 3.5 होता 3 पावर आ जाती। यहाँ पावर, यहाँ वैल्यू क्या है बच्चे, ये इंटीग्रल पार्ट कितना है, 1 आ जाएगा, तो एक नेक्स्ट ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, 1+10/100 सेम टू सेम। जो ये टाइम हाफ था वो यहाँ पे लग जाएगा बच्चे, 10/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे,
या वन वन अपॉन थ्री होता तो वन बाई वन अपॉन टू। हाँ जी बच्चे सर, पावर में नहीं जाएगा वन अपॉन टू। नहीं बच्चे पावर में तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ओके सर मुझे ये बता 17 की पावर हाफ आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेगा बता? नहीं कर सकते ना? नो सर। तो उसको ऐसे रखना पड़ेगा, इसलिए यही चीज समझा रहा हूँ। जब टाइम फ्रैक्शन में आ जाए बेटा, उस टाइम दो पार्ट है हमारे पास टाइम के। मैंने उसको मिक्स फ्रैक्शन में क्यों किया था? इसलिए किया था कि एक इंटीग्रल पार्ट है और एक रैशनल पार्ट है। जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी पावर वन आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रैकेट में बच्चे वन प्लस आर ओवर हंड्रेड, टेन अपॉन हंड्रेड। जो टाइम का रैशनल पार्ट है हाफ, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वन, पावर वन हो जाएगी। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। टाइम को मैं थ्री वन अपॉन फाइव ले लेता हूँ। टाइम को क्या ले लिया? थ्री वन अपॉन फाइव ले लिया। अब जो अमाउंट है बच्चे, प्रिंसिपल वन प्लस आर ओवर हंड्रेड। वैसे एक सिंपल तुम्हें फॉर्मूला समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइम के दो पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट एंड रैशनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कितना है हरमन? सर थ्री। तो पावर थ्री आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रैकेट वन प्लस आर ओवर हंड्रेड एज लाइक टाइम का जो रैशनल पार्ट था वन पॉइंट फाइव, यो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे? और पावर वन आ जाएगी। अब फॉर्मूला समझ आया? जब टाइम फ्रैक्शन में हो बच्चे। यस सर। यस सर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? हाँ जी आप पूछो, क्या पूछ रहे थे सर? अगर हम टाइम के जो साथ टू इनटू करते हैं हाफ ईयरली में, तो अगर हम वहाँ पे टू इनटू वहाँ पे ना करके सीधा फॉर्मूले में डाल के कर देंगे, तो टू से तो टू कट जाएगा, वो तो इजी हो जाएगा सर। नहीं एनुअली के लिए तो नहीं हो पाएगा ना बच्चे, हाफ ईयरली के लिए होगा वो तो। यस सर। एनुअली में तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। यस सर। टाइम फ्रैक्शन में आ जाए उसको तो नहीं टू से मल्टीप्लाई कर सकते। नो सर। ठीक है। यस। 10,000, 10 LCM आ जाएगा बच्चे, 10 प्लस 1, यहाँ एक जीरो कैंसिल होगी, मतलब 20 आ जाएगा ना LCM, 10 टू द 20 बनेगा, 20 प्लस 1 की पावर 1, अमाउंट 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 21 अपॉन 20, जीरोस कैंसिल, मल्टीप्लाई करो बच्चे इसको, अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास? 11 वन जा 11, 1, 22, 23, साथ में टू जीरोस, नीचे टू बच गया। अमाउंट को बच्चे डेसिमल में कर लो, 1, 1, 5, 5, 0। ये कट ही रहा था ना, चलो सीधा ही आ गया, डेसिमल तो आएगा ही नहीं, सीधा कट गया, 1, 1, 5, 5, 0। ये अमाउंट आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे किसके इक्वल राशि? सर पी प्लस एस आई। शाबाश, यहाँ पे एस आई कौन सा है? सर ए माइनस पी। ए माइनस पी, सो रही है अभी भी? नो सर। तेरी फ्रेंड कहाँ चली गई? पता नहीं सर। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे 15, ये आ गया जब एनुअली हुआ। जब बच्चे सेमी एनुअली है, एट दैट टाइम अमाउंट बच्चे प्रिंसिपल 10,000, वन प्लस रेट हम 5 यूज करेंगे, अपॉन टाइम 3, अपॉन 100, टाइम को 3 यूज करेंगे, समझे बच्चे? नमन। यस सर। मतलब अलग से फाइंड कर लोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, सीधा फॉर्मूला में फिल करोगे ना बच्चे, तो वहां टाइम, मतलब कई बार क्या होता है टाइम मंथ में था, जैसे 18 मंथ था, उसको कैसे करेगा? यहाँ पे 18 मंथ दिया हुआ था ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चे, तो पंगा पड़ेगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो ऐसे जैसे हम लिखते हैं प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, वो लिखो हाफ ईयरली, वहीं पे हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स बेटर। 10,000, 20 इज एलसीएम, 20 प्लस 1 पावर 3, 10,000 इंटू 21 अपॉन 20,
इंटू 21/20 इंटू 21/20, 3 जीरोस पहले तो कैंसिल कर दो, एक 2 को कैंसिल कर दो, 5, 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 ही होता है पक्का? यस सर, नीचे बचे 2 2 4, 5 से पहले मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, 6 5 30, 3 कैरी, 10 3 13, 1 कैरी, 45 1 46 अपॉन 4, 4 1 4, 4 1 4, 23, 5 4 20, 30, 7 4 28, 25, 6 4 24, 10 2 5. महक, टाइम कितना हो गया बेटा? सर 7:15. कितने बजे का टाइम है सर? 7 सर, वो 2 दिन से लाइट नहीं आई, तो अभी सुबह ही आई, तो चार्ज अभी किया फोन. ओके चलो, 11,576.25 माइनस 10,000, तो कितना आ गया, 1,576.25. That is the compound interest. अब उन्होंने find करने के लिए क्या बोला है बच्चे? Difference बोला है. किसका? Annually and semi-annually. या half year. मतलब ये चीज का ध्यान रखना, half yearly वाला interest ज्यादा आएगा जब rate, time और principal same हो. यहाँ देखो, principal rate और time, यहाँ भी principal rate और time, same ही time था, same rate था, same principal था, but half yearly था या annually था. तो compound interest देखो, semi-annually या half yearly वाला ज्यादा है. तो बिगर टर्म में से स्मॉलर टर्म माइनस करो बच्चे, वी गेट 26.25. दिस ये आंसर है बच्चे हमारा. यस, समझ गए? कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम, यहाँ ये न्यू फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया. टाइम जब फ्रैक्शन में हो एट दैट टाइम, और एनुअली बोला हो एट दैट टाइम, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो टाइम को पहले, बट ईयर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. अब यहाँ पे 2 पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट एंड रैशनल पार्ट. एक ब्रैकेट के ऊपर इंटीग्रल पावर आ जाएगी, और जो दूसरा हाफ बच गया रैशनल पार्ट, वो रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब हाफ था तो ऊपर 1 और नीचे 2, 200 से हो जाएगा ना नीचे, इस टाइप से. नाउ द थर्ड सम, a man borrowed rupees 16,000, principal is rupees 16,000 for 3 years, time period is 3 years, under the following term di hui hai, 20% simple interest for the first 2 years, first 2 years ke liye simple interest bola unhone. Simple interest ka formula p, principal 16,000, रेट 20%, टाइम 2 ईयर अपॉन 100. फॉर्मूला पता है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. जीरोस कैंसिल होगी, 6400 सिंपल इंटरेस्ट बन गया. आगे क्या लिखा है, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 1 ईयर ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब पहले तो अमाउंट फाइंड करो, अमाउंट फॉर 2 ईयर. उन्होंने अमाउंट बोला है ना, ड्यू, ड्यू मतलब जितनी अमाउंट बन गई. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, नाउ प्रिंसिपल इज 16,000, 0 0 4 6 6 12 1, 22,400 बन गया बच्चे. नाउ फॉर नेक्स्ट ईयर, या थर्ड ईयर लिख दो चाहे नेक्स्ट ईयर लिख दो, प्रिंसिपल इज जो अमाउंट इसकी बन गई है बच्चे, वो प्रिंसिपल हो जाएगा. सर, हाँ जी सर, अमाउंट को प्रिंसिपल को बना देते. लिखा है बच्चे उन्होंने, देखो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिमेनिंग 1 ईयर ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर. आफ्टर 2 ईयर जो अमाउंट बन गई है उस पे इंटरेस्ट लगाना है अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट. समझे? यस सर. सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है उन्होंने, टाइम 1 ईयर है बट हाफ ईयरली बोला है बच्चे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाफ ईयर्स. एंड रेट
20% है बच्चे पर एनम, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ ईयरली बोला है 10% हाफ ईयरली. नाउ अमाउंट बच्चे प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी फॉर्मूला. प्रिंसिपल बच्चे 22,400 यूज करेंगे ये वाला. 1 + R/10/100 पावर टी 2 यूज करेंगे बच्चे. हाफ ईयरली था ना, दिस वन इज कैंसल. 2 × 2 = 400 यहाँ बच्चे मैं 11/10 सीधा लिख दूं. यस एलसीएम ले, 2 जीरोस कैंसिल होगी. 224 को बच्चे 121 से मल्टीप्लाई. रफ वर्क में बच्चे 224 को 121 से मल्टीप्लाई करो. 422 8 4 4 4 2 7 1 0 4 8 4 12 2 14 1 8 6 2 8 1 9 कितना बोला था बच्चे तुमने? ओह सॉरी गलत हो गया यार सर. 2 7 1 0 4 दैट इज आंसर. अमाउंट आ गई. क्या पूछा बच्चे? टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट पेड इज दिस वन. ये आंसर है बच्चे पहला. अब आगे बस यही पूछा था, यही पूछा था बच्चे. समझ आ गया बच्चे? फर्स्ट टू ईयर के लिए क्या बोला उन्होंने? सिंपल इंटरेस्ट बोला था, वो कैलकुलेट किया 6400 आ गया, उसमें को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया तो अमाउंट आ गई. अब नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि जो अमाउंट है टू ईयर की वो प्रिंसिपल है, उस पे टाइम 1 ईयर और रेट 10-20% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो टाइम को 1-2 को से मल्टीप्लाई किया 2 हाफ ईयर हो गए, और रेट को 2 से डिवाइड किया 10% हाफ ईयरली हो गया. टाइम ये 2 यूज करना है और रेट 10 यूज करना है. फॉर्मूला में वैल्यू फिल किया और कैलकुलेट किया बच्चे. नाउ द फोर्थ सम. व्हाट सम ऑफ मनी प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड विल अमाउंट टू. कितनी अमाउंट बन जाती है? 27,783 इन 1.5 ईयर. टाइम पीरियड इज 1.5 ईयर ना. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है. टाइम 3/2 ईयर्स हो जाएगा बच्चे. 2 × 1 = 2 मिक्स फ्रैक्शन को ओपन किया, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, तो 3.5 ईयर्स हो गए. एंड रेट 10/2 कितना आ गया? 5% हाफ ईयरली. नाउ अमाउंट हमें गिवन है बच्चे, वो लिख दो पहले अमाउंट. अमाउंट के प्लेस पे उसका फॉर्मूला. यस महक, फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? P1 + R/100 की पावर टी इज 27,783. प्रिंसिपल बच्चे हमने फाइंड करना है. 1 रेट 5 यूज करना है, 10 नहीं यूज करना, हाफ ईयरली था. पावर टी 3 यूज करनी है. 27,783 यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट में कट करो तो कैलकुलेशन इजी होगी, नहीं कट करेंगे तो बाद में मुश्किल आएगी. सर 21/20 सीधा एलसीएम भी ले लिया. 20 + 1 27,783 बच्चे प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड. 27,783 20 क्यूब है ना, ऊपर आके 20 × 20 × 20 बन जाएगा. 21 क्यूब है, नीचे 21 × 21 × 21 बन जाएगा. यू कैन सॉल्व, प्रिंसिपल आ जाएगा बच्चे. यस सर, हो जाएगा बच्चे. ये सम इजी था, कुछ भी नहीं है इसमें. यस सर. नाउ द फिफ्थ सम. अशोक इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20%. दो जने है ना, तो ऐसे बना लो बच्चे, अशोक एंड गीता. लाइन खींच दो बीच में.
अशोक इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% पर एनम है कंपाउंडेड ईयरली यहाँ पे ईयरली कंपाउंड हो रहा है 20% पर एनम कीता इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली यहाँ पे हाफ ईयरली है रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 20% पर एनम सॉरी 20/2 10% हाफ ईयरली टाइम पीरियड इफ गीता गेट रुपी 33 मोर देन अशोक इन 18 months टाइम 18 months है 3/2 मतलब 18/12 करके 3/2 ईयर आएगा समझ आ गई कि 3/2 कैसे लिखा है यस सर मतलब इसको फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में वही सेम पहले वाला जैसा सम बन गया टाइम फ्रैक्शन में है और ईयरली कंपाउंड करना है यहाँ पे टाइम 18 months 18/12 ईयर्स इंटू 2 कर देंगे सॉरी अपॉन 2 कर देंगे ओ यार क्या दिमाग खराब है टाइम 18/12 इंटू 2 करेंगे हाफ ईयरली है 3.5 years अब हमें गिवन क्या है कि गीता ने कितनी मनी ज्यादा कलेक्ट की दैट इज इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे यहां से बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे सफर माइनस कर देंगे पहले इसका अमाउंट फाइंड करेंगे उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट उसके बाद हाफ ईयरली वाली ज्यादा आती है ना गीता का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI1 CI2 लिख देते हैं मैं तो समझ आ जाएगा कि CI2 पहले आएगा माइनस CI1 किसके इक्वल दिया है 33 के इक्वल दिया है यू कैन फाइंड एक्स प्रिंसिपल को बच्चे एक्स पुट कर देंगे इज इक्वल टू में 33 करके हां जी यही करेंगे मैंने यही किया है ना बोलो यस सर कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे कैलकुलेट हो जाएगा पर एक्स की फॉर्म में आएगा ये ध्यान रखना इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक्स की फॉर्म में आएगा दोनों की वैल्यू फिल करनी है हो जाएगा कि करूं बच्चे मैं बताओ सर हो जाएगा ट्राई कर लेना नहीं निकलेगा तो पूछ लेना बच्चे सिक्स सम नाउ एट व्हाट रेट रेट वी हैव टू फाइंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ रुपी 62,500 अर्न ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल गिवन है रुपी 62,500 कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 5,100 रुपीज In 1 year, time period कितना given है? 1 year given है. The interest is being compounded half yearly compound होता है, तो 1/2, 2.5 year हो जाएंगे बच्चे. Rate को x ले लें, x percent per annum. क्योंकि rate find करने है. Half yearly में कितना आ जाएगा? x upon 2% half yearly हो जाएगा. आई समझ? Yes sir. Yes, sir. अब चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा दो बट ज्यादा बेटर है कि हम अमाउंट निकालें पी प्लस सी आई करके थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन प्रिंसिपल बच्चे 62,500 कंपाउंड इंटरेस्ट 5,100 अमाउंट इस साइड अमाउंट का फॉर्मूला लिख दो मेरी बात समझ आई ना चाहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगाओ बच्चे चाहे अमाउंट पी प्लस एस सी आई कर दो अमाउंट से थोड़ा इजी हो जाएगा माइनस वन वगैरह नहीं आएगा प्रिंसिपल बच्चे 62,500 वन प्लस रेट एक्स अपॉन टू यूज करना है ये वाला हाफ ईयरली है टाइम टू यूज करना है इस साइड ऐड कर दो 0,0676 ये अब वन प्लस एक्स ओवर टू की पावर टू एज लाइक 6,7600 और 62,500 इस साइड नीचे आ गया जीरो कैंसिल अब इस लेफ्ट साइड में बच्चे वाला 100 कहां गया कौन सा 100 अच्छा सर सॉरी 200 आएगा 200 आएगा बच्चे मिस्टेक हो जाती है इंसान हूं पावर टू समझे बच्चे लेफ्ट साइड में पावर टू है तो राइट साइड में भी पावर टू बनेगी कंपेयरिंग बोथ साइड्स पहले भी बहुत सम किए हैं हमने रेट फाइंड करने वाले
उस साइड से पावर सेम है, बीच में इक्वल साइन है तो बेस इक्वल हो जाएंगे। x अपॉन 200 एज लाइक 26 अपॉन 25, वन उस साइड जाके माइनस हो गया। x अपॉन 200 एज लाइक यहाँ बच्चे 25 एलसीएम, 26 माइनस 25, x अपॉन 200 इज 1 अपॉन 25 एंड x इज x वी गेट 1 अपॉन 25 इंटू 200, कट किया 8% आ गया। x क्या था, रेट था, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8% पर एनम, ये आंसर आ गया बच्चे। समझ आ गई इस सम की? यस सर। नाउ द नेक्स्ट सम, सेवन सम। In what time? Now time we have to find. We'll repeat this. Principal given hai. Rupee 1500. Yields rupee 496.50 as compound interest. Compound interest given hai. Rupee 496.50. As compound interest at 20% per year. Per year ka matlab per annum. Compounded half yearly. Dekho time. Ko x year let kar lein. लेट टाइम बी एक्स ईयर, हाफ ईयरली में कितने इयर्स हो जाएंगे बच्चे? सर टू, टू एक्स इयर्स, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स इयर्स नहीं हाफ ईयर, सॉरी टू एक्स हाफ इयर्स। रेट 20% है, रूप 20 को क्या करेंगे सर? 20 को 2 से डिवाइड। वेरी गुड, क्या आ गया बच्चे? 10% हाफ ईयरली आ गया। अब अमाउंट पी प्लस सी आई, समझ आ गई मैं अमाउंट का क्यों फॉर्मूला लगाता हूँ? थोड़ा इजी हो जाता है सम, इसलिए लगाता हूँ बच्चे। प्रिंसिपल 1500 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 496.50 है। अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख दो, 1 + r/100 की पावर t। प्रिंसिपल बच्चे 1500, 1 + रेट 10 यूज करेंगे, 10/100, टाइम 2x यूज करेंगे, याद था ना 2x? इन दोनों को ऐड कर दो, 15 4 19 96.50। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, एक बार बच्चे मैंने यहीं पे रख लिया, यहाँ 11/10 आ जाएगा एलसीएम लेके, पावर 2x। इस साइड बच्चे 19965/10 लिख दे, या 50/100 ही लिख लो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब 11/10 की पावर 2x एज लाइक रहने दो, 19965/10, जो 1500 है बच्चे वो नीचे ले जाओ, कट करो, कट करके बच्चे ऐसा नंबर बनेगा जो 11 की पावर में आएगा, 5 के टेबल पे 5 3s are 15, 49, 9 5s are 45, 46, 9 5s are 43। यहाँ पे बच्चे 5 के टेबल पे 300 आ गया, 3 के टेबल पे कट कर दो, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 1331 आ गया, आगे कट नहीं होगा सर। 11, एक सेकंड बच्चे, हाँ जी बच्चे अब बोलो, बोलो अभी सर। कुछ नहीं, वो पावर 2x 1331। सिद्रा किसका 11 की पावर में क्या आएगा बच्चे 1331? सिद्रा बोलो बेटा, ऐसे चुप रहने से थोड़ा कुछ आएगा सर। मैं बताऊं? हाँ राशि सर, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब है और नीचे 10 का क्यूब है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे पावर 3। यस सर। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी क्योंकि इक्वल साइन है बीच में। 2x किसके इक्वल? 3 के। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 3/2 years, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने 1.5 years, ये आंसर है, या 1 year 6 month भी लिख सकते हैं, ईयर में रख दो ज्यादा बेटर। हाँ जी बेटा। सर जब हमारा टाइम पता नहीं होता है तो जो उधर वाली साइड होती है तो उसके स्क्वायर में भी आ सकती है, क्यूब में भी आ सकती है, पावर 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, बट बेस सेम आएंगे कटिंग करने के बाद, पहले नहीं आएगा
कटिंग करने के बाद इसके आगे कटिंग नहीं हो रही ना, yes, तो sir. ये आ गया बच्चे. okay, जैसे एक ही चीज आया, रेट फाइंड करना है तो पावर सेम आ जाती है, अब टाइम फाइंड करना है तो बेस सेम आ जाएगा, कंपेयर बोथ साइड्स, टाइम आ जाएगा बच्चे. ओके सर. आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा तो कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन रॉन्ग है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी 3500. प्रिंसिपल इज रुपी 3500 एट 6% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 6% पर एनम फॉर 3 ईयर. टाइम पीरियड इज 3 ईयर. द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6/2 हो जाएगा, 3% हाफ ईयरली आ जाएगा बच्चे. टाइम 3 ईयर्स है, 3 × 2, 6 हाफ ईयर्स हो जाएंगे बच्चे. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पहले अमाउंट फाइंड करो. प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी. अमाउंट प्रिंसिपल इज 3500. 1 + रेट, रेट बच्चे 3 यूज करेंगे, अपॉन 100, टाइम 6 यूज करेंगे. कटिंग नहीं हो रही, 3500 एज लाइक. यहां पे बच्चे इसको मैं 1 + 0.03 लिख सकता हूं. ओ सो हाँ, यस यस यस, पावर 6. मैं यहां पे देख रहा था, आगे नहीं देखा कि उसकी वैल्यू भी दी है. इसको ऐड किया बच्चे 1.03, 1 में 0.03 ऐड करेंगे, ये आएगा. अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है बच्चे, पावर 6 करने में बहुत टाइम लगेगा, तो 1.194052 गिवन है. कंफ्यूज करने के लिए वो दे दी वैल्यू, उसकी जरूरत क्या थी? जो वैल्यू यूज होनी है सिर्फ वो दे देते. इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई कर लोगे. Yes, sir. वो आंसर आ जाएगा बच्चे, समझे? बट नहीं, उन्होंने अमाउंट आया ये, अब उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, हो जाएगा. Yes, sir. So, यहाँ पे 4 वैल्यूज को गिवन है, जान की कंफ्यूज करने के लिए बोला है, दिया है उन्होंने. मैं वही तो कह रहा था कि एक ही वैल्यू दे देते ज्यादा बेटर था. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ninth. Find the difference between compound interest and simple interest on rupee 12,000 and in 1.5 year at 10% per annum compound. Ho jayega bache ye sum, simple hai. Compounded yeah. yearly hai. Wahi do brackets mein aayegi amount. टाइम फ्रैक्शन में है, सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा ही निकल जाएगा. टेंथ सम फाइंड द डिफरेंस, अगेन सेम सम इज देयर, बट हाफ ईयरली बोल दिया इसमें, बस कर लोगे? यस सर, हो जाएगा. यस सर. एनफ आज के लिए सर. हाँ जी बेटा, आपने कल इवनिंग वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की? नहीं की अभी, मुझे टाइम नहीं मिला अभी, अभी करूंगा अपलोड. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी थी कल?